अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां सियागंज में एक ड्राई फ्रूट व्यापारी को गुंडे ने पिस्टल दिखाकर लूटने की कोशिश की। व्यापारी पिता पुत्र दोनों ही उस गुंडे से भिड़ गए। इसके चलते गुंडा मौके से फरार हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। यहां सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी की तलाश की जा रही है। टीआई सुनील सहजवार के मुताबिक सियागंज के प्रकाश पंचवानी और उनका बेटा करण निवासी पलसीकर कॉलोनी ड्राई फ्रूट का कारोबार करते हैं। रात में वह दुकान बंद कर घर जाने के लिए निकले ही थे, इस दौरान एक गुंडा उनके पास पहुंचा। उसने प्रकाश पर पिस्टल तान दी, फिर करण पर भी फायर करने का इशारा करने लगा। वह प्रकाश से रुपए की मांग करने लगा। प्रकाश ने उसे भगाने की कोशिश की तो उसने पिस्टल का मुंह उनकी तरफ कर दिया। तभी प्रकाश ने बदमाश की पिस्टल छीनने की कोशिश की। करण भी गाड़ी से उतरा और बदमाश की तरफ लपका। इस दौरान वह भाग गया। वारदात की सूचना लगने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। यहां प्रकाश पंचवानी के दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी के फुटेज देखें। गुंडे की पहचान होने के बाद पुलिस ने रात में अलग अलग जगह छापा मार कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक व्यापारी पिता पुत्र ने बताया कि यह गुंडा पहले रैकी करते हुए देखा गया था, इसके बाद हमें अकेला पाकर वह इलाके में आया था। तेजाजी नगर इलाके में भी पतंग उड़ाने की बात पर बदमाशों ने फायर कर दिया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक घटना ग्वाला कॉलोनी की है। यहां सचिन तलवरे की शिकायत पर तरुण वर्मा, संजय गुर्जर और राज के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक तीनों से पतंग उड़ाने की बात पर उनकी कहा सुनी हुई थी। इसके बाद आरोपी घर से बंदूक लेकर आ गए और हवा फायर कर फरार हो गए।